अल्लाह ने सबका बदला लिखा है जी। एक नमाज पढ़े, एक नमाज का सवाब। जमात से पढ़े, 27 नमाज का सवाब। हरम में पढ़े मक्के के, 1 लाख की नमाज का सवाब। रोज़ा कहीं भी रखो, एक रोज़े का सवाब मिल जाएगा। मक्के में रोज़ा रखो, मदीने में रोज़ा रखो, या एक मद्रास में रोज़ा रखो, उसका बदला भी उतना ही है। ज़कात दिए, उसका बदला भी वैसी है कि साहब ज़कात का जो भी तुमको अज्र है अल्लाह बेहिसाब देगा। हज किए, उमरा किए, उसका भी सवाब अल्लाह आपको हज का देगा। लेकिन सब्र करने वालों को कितना देगा? बग़ैर हिसाब परवान कितने कितने हज़ार दर्जा देगा। सब्र की इतनी ज़्यादा फजीलत हदीस में और कुरान में बयान की गई है। मुसलमानों ने सब्र का दामन छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की दीवार पर टेक लगाए बैठे हुए थे। काफिरों का गलबा, सताते परेशान करते सहाबा को, रस्सी पैर में बांध के खींचते वो संगलाख ज़मीनों में क्या करते, आग चलाते, उसमें लिटाते। अल्लाह अकबर। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ने कहा, आके अल्लाह के रसूल आप दुआ नहीं करेंगे क्या? अल्लाह के रसूल कितनी तकलीफ़ हमको हो रही है, कितनी परेशानी हमको हो रही है। ऐसे खब्बाब रज़ी अल्लाह ने आके कहा तो अल्लाह के रसूल उठ कर बैठ गए। अरे इतने जल्दी परेशान हो गए, इतने जल्दी तुम परेशान हो गए? तुमसे पहले जितने लोग थे अंबिया किराम भी और उनके मानने वालों को दुश्मन कितनी तकलीफ दिए मालूम? कहा के साहब सर पर आरी रख के चीर दिए, काट दिए जी, चीर दिए, जैसे लकड़ी चीरते ना दो वैसे जी। और कुछ लोगों को क्या करें, लोहे की कंघी से उनका पूरा गोश्त निकाले। अल्लाह अकबर। लेकिन उन्होंने सब्र किया। तुम इतने जल्दी परेशान हो गए? अल्लाह अकबर। कैसी कैसी तकलीफें ईमान लाने के बाद होती हैं जी, बहुत तकलीफें होती हैं। अंबिया को भी कत्ल कर दिए। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहि सलाम को यहूदियों ने कत्ल कर दिया। हजरत ज़करिया अलैहि सलाम को कत्ल कर दिया। फतवा पूछा कि मैं अपने भाई की बेटी से शादी करना चाहता हूँ, कहा हराम है? कहा नहीं, मुझे मोहब्बत हो गई है बादशाह, नहीं मुझे मोहब्बत। कहा नहीं हराम है। कहा कत्ल करो जी इनको। कत्ल कर दिए। अब ईसाई बादशाह था, यहूदी बादशाह था। कहा इनके बाप को तलाश करो। उनको भी बुलाया गया कि साहब ऐसे मैं शादी करना चाहता हूँ, जब तक नबी आलिम फतवा नहीं देगा बादशाह भी शादी नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा नहीं हराम है। कहा इनको भी पकड़ो जी। हजरत ज़करिया अलैहि सलाम इधर गए उधर गए, यहाँ तक लिखा है कि किसी तारीख की किताबों में एक दरख्त के अंदर घुस गए, दरख्त को ही काट दिया उन्होंने कि उसी में वो शहीद हो गए। अल्लाह के नाम को जी। और उनके मानने वालों को वो तो बताया कि सब कंघी से लोहे की उनका गोश्त तो खुरच दिया जाता था, खुरच दिया जाता था अल्लाह अकबर। और उनके धड़ को 2 हिस्सों में तराश दिया जाता था, आधा आधा कर दिया जाता था। दीन से हटे नहीं जी, दीन पर कायम रहे, दीन पर अमल करते रहे। अल्लाह अकबर। आज हम अपने मुल्क के हालात को देखते हैं, जिनको कुरान हदीस की बातें मालूम नहीं है वो सब परेशान भी हो जाते हैं। नऊज़ुबिल्लाह ये भी कहते हैं क्या इस्लाम अब क्या करें, बेनमाजी लोग जुमे जुमे को नमाज पढ़ने वाले, देखेंगे कुछ भी हो जाए हम दीन छोड़ देंगे, इस्लाम से फिर जाएंगे, नऊज़ुबिल्लाह। जैसा कि कोई बेवकूफ़ किस्म का आदमी अपने दीन से फिर गया, नाम भी रख लिया हिंदुओं का। ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं रात दिन, यहाँ सुबह उठे तो एक नई खबर, सुबह उठे तो एक नई खबर,